नमः शिवाय। शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष बृहस्पतिवार अष्टमी तिथि सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो रही है। तत्पश्चात पूरे दिन नवमी तिथि लगी रहेगी। चंद्रमा दिन भर हस्तिनी नक्षत्र में चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, दानी, उदार हृदय वाले, दूसरों का उपकार करने वाले, धनी तथा आस्तिक होते हैं। ऐसे जातक कुशल कार्यकर्ता, सफल व्यापारी, धार्मिक ग्रंथों के जानकार, मौलिक कार्य करने वाले और परिश्रम से उन्नति करने वाले होते हैं। ऐसे जातक स्वाभिमानी, ईमानदार और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा चंद्रमा और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा कन्या राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बुध देव हैं। बुध अब राहु के नक्षत्र से हटकर बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं और बृहस्पति अपने नक्षत्र विशाखा से निकलकर राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में आ चुके हैं। इनके नक्षत्र परिवर्तन का फल प्रत्येक जातकों के ऊपर अपने अपने कारकत्व और दशा फल के अनुसार मिलता रहेगा। मेष राशि के जातकों के विचारों की परिवर्तनशीलता बनी रहेगी, मगर वाणी की तेजस्विता में वृद्धि होगी। चंद्रमा के आज भी छठवें घर में होने की वजह से यदा कदा स्वास्थ्य संबंधी मामलों और मानसिक स्तर में उतार चढ़ाव संभावित है। माँ के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी, मगर उच्च के मंगल से कार्य योजनाओं की रचनात्मक सक्रियता जारी रहेगी और उसमें एक मिसाल कायम करेंगे। कुछ कामों में रुकावट व संघर्ष का संकेत मिलता है, मगर तार्किक क्षमता और दृढ़ संकल्प से सफलता मिलेगी। बच्चों के प्रति दायित्व बढ़ेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग जारी रहेगा। अपने सामान के प्रति सचेत रहना चाहिए। वृष राशि वाले जातकों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में कमी आएगी। प्रबल आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर द्वारा सारे काम होते जाएंगे। अच्छे कामों में निवेश और घर गृहस्थी संबंधी वस्तुओं में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र की व्यग्रता और जल्दबाजी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। बच्चों व घर परिवार के दायित्व पूरे होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है, मगर कुछ मामले मानसिक चिंता को बढ़ाने वाले हो सकते हैं और अधिकतर कामों में सफलता मिलती जाएगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए अधिकतर कार्य सुचारू ढंग से चलते रहेंगे और भावनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी, मगर कुछ कामों में विशेष सफलता की उम्मीद बनती है। जीवन के नए लक्ष्य हासिल करने में सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, मगर बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल अतिरिक्त लाभ दिलाने में सक्षम होगा। गुरु की प्रेरणा से आत्मविश्वास बना रहेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला आज का दिन होगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का नक्षत्र लाभदायक सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र की रचनात्मक सक्रियता सुकून बढ़ाने वाली होगी और सार्थक प्रयास सफलता दिलाने में सहयोग करेंगे, मगर कुछ विषयों पर निर्णय लेने में मन का अंतर्द्वंद सामने आएगा। फिर भी सकारात्मक परिणाम मिलते जाएंगे। साझेदारी से लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और व्यावसायिक निरंतरता बनी रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सहयोग मिलेगा और संसाधनों के विकास की प्रवृत्ति बनी रहेगी। 11वें घर में बुधादित्य योग का होना आपकी कार्य ऊर्जा को बार बार बढ़ाने का काम करता है। परिस्थितियों को देखते हुए कार्य योजनाओं में सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। अपने कार्य क्षेत्र में रचनात्मक पहल जारी रखें, सफल रहेंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अचानक लाभ के मौके संभावित हैं। पत्नी की प्रेरणा व सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। कन्या राशि के जातकों की सकारात्मक विचारधारा बनी रहेगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। मानसिक क्रियाशीलता बनी रहेगी और हर्षित महसूस करेंगे। अभिभावक या सहयोगियों की प्रेरणा लाभदायी रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव और उसको लागू करना लाभदायक रहेगा। किसी बड़े निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा।
तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन भाग दौड़, यात्रा प्रधान और खर्चीला रहेगा। साथ ही वाहन चलाने में सावधानी भी रखनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में सहयोग बना रहेगा, व्यस्तता बढ़ेगी और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक लाभ मेहनत के अनुसार निर्धारित होगा। कार्य योजनाओं में विवाद व तनाव से बचना चाहिए। बुध का नक्षत्र परिवर्तन राजकीय कार्यों को संपन्न करने में मदद करेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के आय संबंधी मामलों में विकास होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे और संतान संबंधित दायित्व की पूर्ति होगी। अपनी कार्य क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा। नई कार्य योजनाओं की क्रियाशीलता बनी रहेगी और लाभदायक प्रसंग सामने आएंगे। कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ से अधिक खर्च की स्थिति संभावित है। आवश्यक संसाधनों में निवेश का योग बनता है। बच्चों व संतान संबंधी मामलों में यात्रा संभावित है। संयम और धैर्य बनाकर काम करते रहें, फल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। धनु राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में उत्थान होगा और निरंतरता को बनाए रखने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में व्यस्त रहेंगे। अपने रचनात्मक प्रयास जारी रखें। कार्य क्षेत्र की अनुकूलता बनी रहेगी, मगर बाहरी कारकों से बार बार बाधा संभावित है। मेहनत करने की प्रवृत्ति बनाए रखें। भविष्य में सुखद परिणाम अवश्य मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों की प्रतिपूर्ति होती रहेगी। प्रशासनिक और सामाजिक सहयोग मिलता रहेगा। साझेदारी सफल रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मकर राशि के जातकों को अधिकारियों का पूरा सहयोग और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती रहेगी। प्रतियोगी भावना विकसित होगी। बृहस्पति और बुध का नक्षत्र परिवर्तन कार्य क्षेत्र और नेतृत्व करने की क्षमता में सहयोग करेगा। नई कार्य योजनाएं मिलती जाएंगी और आपके क्षेत्र का विस्तार होता जाएगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर धैर्य और संयम बनाकर रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और निजी संबंधों में निकटता आएगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव संभावित है। बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल आर्थिक लाभ बढ़ाएगा। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। हालांकि शासन सत्ता का सहयोग और अधिकारियों की अनुकूलता बनी रहेगी। संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है, मगर भाग्यवश आर्थिक लाभ मिलता रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी है। सफलता संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज दिन भर का समय कार्य क्षेत्र की सफलता और आर्थिक लाभ के लिए सहयोगी रहेगा। साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। भूमि, वाहन या प्रॉपर्टी संबंधी मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर कुछ व्यावसायिक मामले यात्रा कराने वाले हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में चिंता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। प्रयास जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।